टॉपिक आता है वो आता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन तो मैंने आपको बताया था कि जो एनलिन होता है इट डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ना ही इसमें फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है ना ही इसमें फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है मैं दोबारा से बता देती हूं सपोज आपके पास बेंजीन रिंग है अगर आप इसकी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करना चाहते हैं तो आपको इसका रिएक्शन करना पड़ेगा आरसीएल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एनहाइड्रल्यूमिनियम क्लोराइड तो ये क्या होगा इसकी अल्काइलेशन होगी और यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा ठीक है और नेक्स्ट आती है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन तो असाइलेशन में हम सीओ ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अलूमिनियम क्लोराइड तो इसमें भी हमारी असाइलेशन हो जाती है और सीओ आर ग्रुप आ जाता है बेंजीन रिंग पे ये जो रिएक्शन होता है इट इज नॉट गिवन बाय एनलिन एक तो एनलिन नहीं देता और दूसरा मैंने पिछली बार आपको ध्यान होगा लास्ट चैप्टर में बताया था कि जो बेंजोइक एसिड होते हैं ना वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो कंपाउंड बताएं एक एनलिन और दूसरा बेंजोइक एसिड तो एनलिन क्यों नहीं देता उसका कारण सुनिएगा क्या होता है ये जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है इसमें हम अलुमियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं अल्मीनियम क्लोराइड का जो काम होता है वो होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल तो अल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है आर प्लस बनाता है या आर सी ओ प्लस बनाता है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है लेकिन एनलिन के साथ क्या होता है क्योंकि ये जो कैटलिस्ट होता है ये लुइस एसिड होता है जबकि आप एनलिन की बात करें इसके पास लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर तो ये क्या होता है ये लुइस बेस होता है तो ये दोनों मिलकर लुइस बेस और लुइस एसिड मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं और हमारे पास इस तरह का ये जो है कंपाउंड बन जाता है अगर आप इस कंपाउंड को देखें क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन लोन पेयर देगा एल्यूमिनियम को तो नाइट्रोजन जब देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज तो प्लस चार्ज आने की वजह से जो है नाइट्रोजन ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट फॉर्मेशन ये सबको समझ में आ गया कि पूरा रीजन ये है कि भाई सॉल्ट बना लिया इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट बनाने के बाद ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हैव डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट फॉर फर्दर रिएक्शन ये कारण है कि एनलिन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है ठीक है yes, अब एक एनसीआरटी का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो मैंने आप पहले भी कहा था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप फ्लो चार्ट बना लीजिए ये कह रहे एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए इन्होंने खुद ही बोल दिया कंपाउंड क्या है ए इसका जो रिएक्शन अगर मैं एक्वस अमोनिया के साथ करती हूं एंड हीट हीट भी करना है पढ़ लो ध्यान से तो कंपाउंड बनता है बी और बी कंपाउंड को जब हीट की बी कंपाउंड को जब हीट किया जाता है ब्रोमीन इन के साथ तो एक कंपाउंड बनता है सी इस कंपाउंड का फॉर्मूला है सी सिक्स एच सेवन एन आपको इन सबका नाम लिखना है तो मैंने ये लिखा हुआ है सॉल्व किया हुआ है पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि चार्ट इस तरह से बना सबको अब आप खुद सोचिए अगर ए कंपाउंड एरोमेटिक है तो बी भी एरोमेटिक होगा और सी भी होगा। अब आप इसमें कार्बन चेक कीजिए कितने कार्बन है तो का क्या हो सकता है पॉसिबल यही Maybe तो हो सकता है yes, मे भी क्यों पक्का बेंजीन रिंग है एरोमेटिक है तो कार्बन है इसका मतलब ये छे के छह कार्बन बेंजीन के होंगे ये जो नाइट्रोजन होगा ये एनएच टू ग्रुप होगा तो इसका मतलब ये जो सी कंपाउंड है ये आपका एनलिन है अब आप बी आर को सोचिए उल्टा सोचना पड़ेगा या ब्रोमीन और के रिएक्शन कहां पे था जब ये एनलिन बनता था नेम रिएक्शन था एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन उसमें क्या होता है ये मैंने आपको बताया था इसीलिए ध्यान रखना है अगर आप एक सीओ ग्रुप हट जाता है उसमें हाँ, हाँ अमाइड जो ग्रुप होता है अगर आप उसमें ब्रोमीन और एनओ एच डालें या के आर एन एच टू ग्रुप में डिग्रेडेशन हो जाती है तो ये सेम वही रिएक्शन है अगर आप देखें क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है एनिलिन बन रहा है तो एनलिन कैसे बना होगा कौन से वाले अमाइड से बना होगा इससे अब आप खुद सोचिए ये अमाइड पे अगर वही है ना ये तो ये हो गया बेंजामाइड अब आप देखिए ए कंपाउंड क्या हो सकता है क्योंकि उसमें लिखा है ना एक्वस अमोनिया के साथ आपको हीट करना है तो ये रिएक्शन क्या होता है जिसमें सीओ एन एच टू ये कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन था कि अगर आप बेंजोइक एसिड में को अमोनिया के साथ हीट करें तो क्या बनता है बेंजामाइड बनता है ये जो है सीओ ओ एच जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है सीओ एन एच टू में ठीक है यस ठीक है इस चैप्टर में जो है बस इतना ही था बाकी आपने इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना